सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू तेल से ही मिलेगा यही। पहले चरण के बाद जिस तरह से चुनाव बदलने की चर्चाएं तेज हुई, उसके बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। विपक्षी दलों को भरोसा है कि इस बार केंद्र में वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। माना जा रहा है 1 जून को होने वाली बैठक में इसी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गठबंधन में अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा भरोसा जताया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो रही है, जिसे देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और BRS नेता KCR शामिल नहीं हो रहे। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। ये तो सब जानते हैं कि ममता बनर्जी और KCR के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कितने अच्छे संबंध हैं। इंडिया गठबंधन से अलग होने के बावजूद अखिलेश यादव ने यूपी में TMC को एक सीट दी है। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष कई मंचों पर KCR के साथ भी दिखाई दिए हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपना प्रचार रथ भी KCR के लिए भेजा था। सूत्रों के मुताबिक अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में आता है तो ममता बनर्जी और KCR को साथ लाने की बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी गई है। वो लगातार दोनों नेताओं के साथ संपर्क में भी बने हुए हैं। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी अखिलेश पर इस मामले में भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महा कवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।